वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देश मिश्र ब्लॉग्स। सो दोस्तों, आज लॉकडाउन 4.0 का लास्ट दिन है। आज हम लोग भी एक छोटा सा जगह पे ही, यहीं लोकली है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहीं पर ही जा रहे हैं। तो बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो नहीं है सो ब्लॉग के साथ में बने रहे। क्या भैया, लेट्स गो फॉर अ राइड। जंगल में है दोस्तों, मतलब एडवेंचर पे एडवेंचर होते जा रहा है। हम लोग अभी इसी रूट में आए थे, तो आगे की ओर ऐसे ही जंगल होते होते हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं राजनगर। यहाँ से करीबन और 5 किलोमीटर होती, बट हम लोगों ने एक शॉर्टकट रास्ता लिया है। यहीं पर ही वो स्पिरिचुअल जगह है, वो चीज़ अभी आगे वीडियो देखिए तभी पता चलेगा। वीडियो में नहीं बोलने वाले अभी हम, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बने रहिए, साथ में बने रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को। लास्ट तक बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है दोस्तों, सही बताते हैं। ठीक है, समीर भैया भी यहीं पर ही है, दानो भी है साथ में, यहाँ पर एक छोटा मोटा फोटो शूट करेंगे। सो ब्लॉग के साथ में बने रहिए, बहुत ही गजब जगह जाने वाले हैं आज को, मिलेगा ब्लॉग में मिलेगा, इसीलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए। स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं था हम लोग का डेस्टिनेशन, काफ़ी नज़दीक था। सफर करते हैं वहाँ पर, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से वहाँ पर पहुँच करके दोस्तों स्वागत है वो जगह पर जिसको हम लोग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली में आप लोग अगर महाभारत पर ट्रस्ट करते हैं तो ये वो एक जगह है, उस सभ्य जगह में से एक जगह है जहाँ पर पांडव जो है आकर के, मतलब उनको जब वनवास हुआ था तो उस क्रम में आकर के यहाँ पर भी कुछ दिन रहे थे, उसके लिए सबूत है। तो चलिए हम लोग ब्लॉग में रहिए, आप लोग दिखाते हैं कि क्या सबूत है क्या नहीं। ये पीछे जो नदी है यहाँ पर बोला जाता है कि हम लोग नहाते भी, समझिए कितनी बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग रिटर्न पे चलते हैं और उस जगह को देखते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का ये एक प्राचीन मंदिर, ये मंदिर है। अभी अंदर चलते हैं हम लोग, यहाँ से अभी नीचे सीढ़ियाँ आ गई हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं अंदर। कुछ रहस्यमय वाली चीज है जो हम लोग आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, ये है वो सबूत जो कि प्रमाणित करता है कि ये यहाँ पांडव लोग आए हुए थे, जिसे यहाँ का किंवदंती में माना जाता है। और ये एक्चुअली में रसोई है, इसे आप देख सकते हैं, ये दो अलग अलग चूल्हे बने हुए हैं और इसी में ही खाना बनाया जाता था, पांडव लोग खाना बनाते थे। जैसे यहाँ पे मतलब देखने से ये लगता है ना कि जैसे कोई हाथ से ही बनाया, क्योंकि एक साइड में यहाँ पर गैप भी है, भीतर जो है एक गैप भी है, इस गैप से घुसने। देखिए काफी बड़ी यहाँ पर खोल बनी हुई है और ये प्राकृतिक खोल बनी हुई है और यहाँ पर ये जो छेदा है। तो दोस्तों काफी ही, मतलब यहाँ पे अलग ढंग का, अलग टाइप का लग रहा है, तो अभी एक बार इसके भीतर में घुस करके देखते हैं कि ये कैसा है और अंदर क्या क्या है। अंदर तो फिलहाल मेरे को कीड़ा मकोड़ा ही दिख रहा है और छोटे छोटे मेंढक दिख रहे हैं, तो चलिए एक बार घुस करके देखते हैं। ठीक है, माफ कर लो बाबा। मतलब भीतर का माहौल जो है एकदम ठंडा है, मेरे को
पैर के यहाँ तक इस पोर्शन तक में ठंड महसूस हो रही है। और अंदर क्या है कि अभी दो दिन पहले या कल रात को भी बारिश हुई है, तो जिसके कारण से अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। आपका उससे भी भरा हुआ है और यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए हम फिर से ऊपर उड़ जाते हैं। सर चलिए अभी उठते हैं, अब चलते हैं बाहर की ओर और देखते हैं और भी क्या क्या चीजें यहाँ पे, तो सर्च करते हैं हम लोग। एंड वीडियो तक बने रहिए, अभी टाइम है, अभी भी टाइम है, टाइम है, टाइम है, चलिए। तो दोस्तों अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये आप लोगों को जो छवि तो दिख रही है, मतलब इमेज जो दिख रही है, वो भीम की पैर के निशान है। सोचिए दोस्तों, ये जो पीछे वाली साइड की जो है ना, इसमें हमारी पैर अटक जाएगी, लेकिन ये इतनी बड़ी पैर, आप समझ सकते हैं कि हाइट किस हिसाब की होगी। 25 से 30 फीट, ये देखिए यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ, 25 से 30 फीट तक हो सकती है। दोस्तों अभी आपको मैंने ये भीम जी का पैर जो है उसे दिखाया था, तो अभी मेरे पीछे में आप जैसे वो वाला जगह को अभी छोड़ करके अभी हम लोग इस जगह पे आए हैं। यहाँ पे आप आराम से आकर के शाम के वक्त में बैठ सकते हैं, थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं। एंड ये एक्चुअली में एक पिकनिक स्पॉट भी है, काफ़ी अच्छी पिकनिक स्पॉट है, और जगह जगह पर ऐसे ही पत्थर है, बैठने का जगह भी है, बैठने का जगह भी है। एंड वहाँ मैंने एक बोर्ड का फोटो लिया था जब यहाँ पे घुसा था, तो वहाँ पर दिखाया था कि अर्जुन ने एक पेड़ पे बाण मारा था, और वो बाण का जो छेदा हुआ था जिस कारण से पेड़ को, वो यही पेड़ तो है, तो इस पे जा करके हम लोग अभी देखते हैं कि कहाँ पर वो छेदा तो है बना हुआ। सो बने रहिए, साथ में रहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि एक पेड़ में, यही वाली है वो पेड़ है, इस पे ये जो एक छेदा आप लोग को दिख रही होगी मेरे उंगली के सीधे में, यही वाली छेदा, पेड़ दो तला फिर ऊपर जा करके वो जॉइंट हुआ है, आप देख रहे हैं जैसे, तो यही वो पेड़ है, यहीं पे ही वो बाण चली थी, अर्जुन ने मारा था वो बाण को, और फिर उसके बाद में ये ऐसा हाल हो गया था उसका। तो सोचिए आप इसका क्या मतलब, निशाना कितना भयानक है, अर्जुन को ऐसे ही क्या बोलते हैं भैया, धनुर्धारी ऐसे नहीं बोला जाता था, उन्होंने देखिए क्या एम कैसा लगाया होगा। जगह जो था वो काफी अच्छा था, मेरे को अब पहले बताया उनको। सर दोस्तों अभी भैया से वही चीज बात कर रहे थे कि ये जो जगह है काफी अच्छा था, मतलब घूमने के लायक भी है। अभी जैसे हम लोग एक नदी किनारे में बैठे हुए हैं, ये भी खरखई नहीं, ये खरखई नहीं है, हाँ। तो दूसरा नदी है, ये उप नदी है, ये मेन नदी नहीं है, ये मेन नदी नहीं है, ये उप। ये जो लोकेशन जो है, तो एक नंबर एकदम माइंड ब्लोइंग लोकेशन है, और मतलब गांव-गांव होते हुए ये गांव इतना अच्छा लगा ना मेरे को, पूरा साफ सुथरा, पूरा साफ सुथरा है, सब चीज बढ़िया है। आप अगर फ्री टाइम में आएंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। तो बने रहिए, अभी रास्ता में और भी जगह पर जाएंगे हम लोग, एक वहाँ पे खरखई नदी भी है, तो उधर पे भी जा करके हम लोग सोचेंगे थोड़ा देर दिखेंगे। ये खरखई नदी है, ज़्यादा इतना एक्साइटेड मत होइए, जो बोले थे कि अभी वहाँ से निकल करके एक रोड में मस्त सा नदी गिरता है, तो यही वो नदी है, देखिए कितना चौड़ा नदी है, कितना मज़ेदार एकदम। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, नहीं बोल लाइक जरूर दबाएं। अच्छा बना है, हाँ। और काफी मेहनत लग रहा है हम लोगों को, हाँ। तो ये लाइक जो होता है ये हम लोग का उत्साहवर्धन के लिए है, हाँ। तो इसीलिए जरूर से लाइक करें, लाइक और एक कमेंट डाल दें ताकि हम लोगों को पता चले कि वीडियो कैसा लगा, है ना, और कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ, और क्या क्या चाहिए आप लोगों को बता सकते। सो अभी यहीं पर ही हम अपना वीडियो को बंद करते हैं, और जो नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, सवाल है, ये मेरा सवाल है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर से दबाइए, वो आपके लिए है, एक्साइटिंग वीडियो मिलेगा और भी खतरनाक। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना।
कोई जबरदस्ती नहीं आप शेयर करें और वीडियो के साथ पूरा देखे, पूरा देखे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। सो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।